तो भाई स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। आज जो है मैं आपको अपना मेन चैनल के लिए जो काम है वो मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैं काम करता हूँ। वैसे तो मैं अपना चैनल का जो नाम है आपको नहीं बताऊँगा और आगे चल के जो आपको पता चल ही जाएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आए। फ़िलहाल यहाँ आप देख सकते हो ये सिल्वर प्ले बटन मेरा पहला जो चैनल है उसके लिए मिला था, तो सोच सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है ही। और अभी के टाइम में मैं उस चैनल पर क्या करता हूँ, मतलब उस पर करता हूँ मैं प्रोडक्ट रिव्यू। तो ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर्स, ये कंपनी के तरफ से आए हैं और इनका जो है मैं रिव्यू अनबॉक्सिंग ये सारे वीडियो जो है बनाता हूँ। और अभी जो है शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये जो टाइम होता है शाम का समय जो होता है इस टाइम पे ही मैं जो है प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो वगैरह जो है शूट करता हूँ। अब दोस्तों ये जो है ये मेरा कमरा है और यही कमरे में ही मेरा टोटल सेटअप है, ठीक है। यहीं पर ही मुझे ये पीछे तरफ देख रहे हो ये स्क्रीन मैंने बनाया है वॉल पेंट करके, वाइट पेंट करके। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर का जो इमेज है वो प्रोजेक्शन करता हूँ, उसको फिर शूट करता हूँ। और यहाँ बैक साइड में ये प्रोजेक्टर जो है मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो ये मेरा पर्सनल यूज़ के लिए है। इसके अलावा जो भी कंपनी से आता है उसको मैं चेक वगैरह करता हूँ, रिव्यू वगैरह करता हूँ और फिर जो है वो वापस हो जाता है। वहीं फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मेरा डेस्कटॉप है, पीसी है। यहाँ पर जो है मेरा जो वीडियो एडिटिंग वगैरह जो है मैं कंप्यूटर में करता हूँ। पहले जो मैंने चैनल का शुरुआत किया था उस वक्त जो है मैंने फ़ोन से अपना जो काम है शुरू किया था, फ़ोन से वीडियो वगैरह जो है एडिटिंग करता था। और उसके बाद में YouTube के पैसे से ही जो है मैंने इंस्टॉलमेंट में कह सकते हैं, एक बार में तो नहीं मगर इंस्टॉलमेंट में जो है मैंने पीसी भी लिया है। और अभी के टाइम में इतने बड़ा चैनल होने के बाद भी मैं उस चैनल के वजह जो है इस ब्लॉग चैनल पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वो जो चैनल है वो 5 साल हो चुके हैं उसको, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ पर जिस हिसाब से मुझे ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ अब नहीं मिल रहा है, बल्कि और जो है धीरे धीरे उसकी जो इम्प्रेशन है वो कम होते जा रहा है, यानी कि लोगों तक जो है मेरा वीडियो जो है अब नहीं पहुँच रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैंने जब कैलकुलेशन किया तो भाई आज के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे लड़के जो हैं मेरे से, मतलब अभी काफ़ी लोग जो हैं वो मिलियन सब्सक्राइबर लेके आगे पहुंच चुके हैं भाई। और मैं 5 साल से इस चैनल पे अपना जो टाइम दिया हूँ 5 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी जो है 2 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जबकि अपने वीडियो में हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना बताता हूँ प्रॉब्लम की सपोर्ट करें यार, मगर सपोर्ट मिलता नहीं है। तो इस चैनल से उम्मीद है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं आपको अपना जो सेटअप दिखा रहा हूँ और फिलहाल मेरे पास में जो है यही फ़ोन है, इसी पे ही मुझे जो है रिव्यू वीडियो भी शूट करना रहता है। तो ब्लॉगिंग के लिए जो है आपको सिर्फ मैं जो कुछ सेटअप वगैरह दिखा दूँगा किस तरह से मैं सेटअप करता हूँ क्या करता हूँ, और बाकी जो है रिव्यू वीडियो जब मैं उस चैनल के लिए शूट करूँगा उस वक्त का जो है देखते हैं किस तरह से एडिटिंग में मैं आपको सारा चीज़ दिखा सकता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है हम करते हैं प्रोजेक्टर को सेट, ठीक है। मैंने प्रोजेक्टर को सेट कर दिया है, फोकस वगैरह सब चीज़ कर दिया है और इस प्रोजेक्टर को जो है मैं पहले यूज़ करूँगा, उसको देखूँगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या 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 ऑप्शन मिलते हैं, और उसके बाद में जो है मैं प्रिपरेशन करता हूँ अपना प्रोडक्ट का जो भी है रिव्यू करने का। तो सबसे पहले जो है टेस्ट करते हैं। यहाँ प्रोजेक्टर तो मैंने सेट कर दिया है, फोकस वगैरह कर दिया है, बैक साइड में आप देख सकते हो इस तरह का स्क्रीन है, ठीक है। तो इसको जो है पहले मैं टेस्ट करूँगा और उसके बाद में जो है इसके लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइट ऑफ कर दिया, बैक साइड में देख रहे हो ये स्क्रीन, और इसके बाद में जो है अपन देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह, और उसके बाद में जो है रिव्यू वीडियो जो रहता है वो अपना ओपिनियन वगैरह जो है वो मैं देता हूँ। तो फिलहाल जो है इसको मैं देखूँगा और उसके बाद में कुछ सीन्स और कुछ क्लिप्स वगैरह जो है मुझे शूट करना पड़ेगा इसी देखते वक्त में, और उसके बाद मैं नोट करूँगा पॉइंट्स वगैरह जो इस प्रोजेक्टर को लेके मेरे दिमाग में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अपना कैमरा जो है वो सेटअप कर लिया है, ठीक है। इस तरह से मैं सेटअप कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीन की तरफ सेटअप किया है। हालांकि ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं DSLR से शूट नहीं करता हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे ऑपरेटिंग आता नहीं है, तो फ़ोन पे ही मैं शूट करता हूँ। तो DSLR की जगह ये मान लीजिए कि यही वाला फ़ोन जो अभी मैं आपके लिए ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी को जो है मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से सेटअप करके। और उसके बाद मैं जो है कम से कम 1-2 घंटा या फिर 1-2 दिन जो है मैं इस प्रोजेक्टर को यूज़ करूँगा, कम से कम आज जो है आज यूज़ करूँगा इसमें, और उसके बाद में जो भी फंक्शन है सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मैं देखने के बाद में फिर जो है अपना रिव्यू वीडियो जो है वो पोस्ट करूँगा। और जब मैं इसका टेस्ट करते रहता हूँ उस वक्त जो है मैं
यूट्यूब चला के या फिर कुछ भी चला के जो भी मैं प्रोजेक्टर के थ्रू ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ उस चीज़ को जो है इस कैमरे में मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मेरा जो पहला प्रोजेक्टर रिव्यू का काम जो होता है, जो पहला मैं प्रोडक्ट रिव्यू का करता हूँ, तो पहले मैं टेस्ट करता हूँ प्रोडक्ट को, उसके बाद में फिर मैं जो है उसके जो कुछ फुटेजेस वगैरह होते हैं उसको ले लेता हूँ, और जब सारा चीज़ हो जाता है उसके बाद में जो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ठीक है, ये टेबल है और यहाँ लाइट का सेटअप वगैरह है, बहुत सारे तार जो हैं आप देख सकते हैं। प्रॉपर जो है अभी कुछ भी सेटअप नहीं है मेरे पास में, कोई मतलब अलग से कोई कैमरा भी नहीं है जहाँ पर मैं अपना जो पर्सनल कैमरा अलग और जो प्रोजेक्टर का या फिर जो प्रोडक्ट रिव्यू या फिर यूट्यूब चैनल के लिए अलग करूँ, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास जगह। इस वजह से जो है इसी कैमरा में ही ये मेरा पर्सनल कैमरा भी है और यहाँ पर अपना सेटअप वगैरह भी सब होता रहता है। इस वजह से जो है कैमरे में आप देखोगे तो बहुत सारा सामान यहाँ टंगा हुआ है ना। तो अच्छा सा सेटअप करने के लिए आपको भी पता है कि खर्चा लगता है, और उतना ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प मुझे नहीं हो रही है यूट्यूब से कि मैं जो है अलग से कैमरा लेके जो है सेटअप वगैरह करूं। तो खैर अब फ़िलहाल का जो काम है वो अभी मेरा इस प्रोजेक्टर को टेस्ट करना है, चेक करना है, और जब मैं इसका फिर जो प्रोजेक्टर का अपन जो वीडियो शूट करते हैं जो यहाँ मैं शूट करूँगा उस टाइम में जो मैं फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह से सेटअप करके मैं शूटिंग वगैरह करता हूँ। 3 days later दोस्तों प्रोडक्ट को जो है मैं पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और अभी जो है इसका फाइनल आउटपुट देने की बारी आ गई है, यानी कि अभी जो है इसका रिव्यू वीडियो हम डालेंगे और अनबॉक्सिंग भी वगैरह जो है करना है। तो सारा चीज़ के लिए जो है मैं जिस तरह का सेटअप यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से मैं जो है सेटअप करता हूँ अपना। तो गाइस ये मेरा जो है टेबल सेटअप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है एक RGB लाइट लगाया है, ये प्रोडक्ट्स इस तरह से मैंने सेटअप किया है, और यहाँ पर एक छोटा सा जो है मैंने लाइट सेटअप किया है जो कि खुद से ही बनाया है, देख सकते हैं बांस का यूज़ करके मैंने बनाया है लाइटिंग सेटअप, और ये ट्राइपॉड है, यहाँ पर मैं मोबाइल लगाता हूँ, फ़िलहाल जो है मोबाइल से मैं शूटिंग कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो इस तरह से सेटअप है, और यहाँ पर जो है इस तरह से जो प्रोडक्ट के क्लिप्स वगैरह हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल से जो है लेना वो सब सारा चीज़ मैं करता हूँ, और इस तरह से जो है मेरा शूटिंग वगैरह जो है कंप्लीट करता हूँ, और बाद में फिर इसमें जो है मैं वॉइस ओवर करता हूँ, जो भी अपना वीडियो का जो वॉइस ओवर करना रहता है, जो रिव्यू करना रहता है, वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके फिर अपने कंप्यूटर में जो है इसको एडिट करता हूँ। वैसे दोस्तों ये वीडियो शूट करते वक्त मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं सॉरी कहता हूँ। और आपको अगर ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।